नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त विश्वजीत सिंह और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज आईई एक्सप्लेन्ड में भी आया है, दैट इज इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज ऑफ द रीसेंट महाराष्ट्र असेंबली सेशन। और ये हमारे संविधान के कुछ अहम पोजिशंस हैं जिन पर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, तो आज हम इन पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, जो लोग पहली बार आए हैं वो हमारे एप्रिकस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो महाराष्ट्र में अभी दो दिन का मानसून सत्र पूरा हुआ है और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी स्पीकर नहीं है। इस वक्त सिर्फ वहाँ पर डिप्टी स्पीकर हैं। पहले जो स्पीकर थे वो नाना पटोले थे, कांग्रेस के। 2019 में असेंबली इलेक्शंस के बाद स्पीकर बने थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इस साल फरवरी में। उसके बाद उनकी जगह जो स्पीकर का रोल है वो डिप्टी स्पीकर नरहारी जिरवाल सीताराम हैं, जो एनसीपी के, वो निभाते आ रहे हैं। अब अपोजिशन जो है, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस, वो ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि स्पीकर की पोस्ट को जल्द से जल्द भरा जाए। और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को ये डिमांड फॉरवर्ड भी की है, लेकिन सीएम ने इसका ये जवाब दिया है कि स्पीकर की पोस्ट के लिए एप्रोप्रिएट टाइम पर इलेक्शंस होंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को कंप्लाई करते हुए। और उनकी जो एक बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ही मेंशनड दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई ए टाइम फ्रेम फॉर फिलिंग ए वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर। हमारे संविधान में या असेंबली रूल्स में, महाराष्ट्र के असेंबली रूल्स में, ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने समय में स्पीकर की पोस्ट भरी जाएगी। कह लीजिए एक लूप होल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी नहीं लिखा है कि कितने समय में भरी जाए। ये तो बोल दिया कि हाँ एक स्पीकर होना चाहिए, लेकिन वो पोस्ट कितने टाइम पर भरी जाए, कितने टाइम में भरी जाए, ये स्पेसिफाई नहीं हुआ है। अभी आपको पता है महाराष्ट्र में स्पीकर की चेयर वैकेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो भी कई स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकसभा में भी वैकेंट है। आप ये लगाओ कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में इवन अगर आप बात करें पीछे, तो जब फडणवीस जी खुद सीएम थे तब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट 4 साल तक वैकेंट रही थी। और लोकसभा, जब से ये 17वीं लोकसभा शुरू हुई है जून 2019 से, तब से डिप्टी स्पीकर के पद को नहीं भरा गया है। और ये पहली बार है हिस्ट्री ऑफ लोकसभा में कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट इतने लंबे समय के लिए वैकेंट रही है। देखिए किस तरह से इलेक्ट होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात की है, जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कैग भी बोल देते हैं, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का आर्टिकल 93, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178, 93 कहता है लोकसभा में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, 178 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं स्पेसिफाई किया है कि कितने टाइम में ये इलेक्शंस होंगी। ये छोड़ दिया गया लेजिस्लेचर्स पर कि वो डिसाइड करें कि ये इलेक्शंस कब कराने हैं। देखिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या होता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर वो एक डेट सेट कर देता है स्पीकर के इलेक्शन की, और उस दिन इलेक्शन होते हैं। और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो है डेट, वो स्पीकर डिसाइड करता है। और इन दोनों पोस्ट पे आपको पता ही है कि रिस्पेक्टिव हाउसेस जो होते हैं उन्हीं में से लोगों को चुनकर इस इन ऑफिसेज, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिसेज में भेजा जाता है। देखिए जैसा कि कहा गया कि टाइम फ्रेम नहीं है, महाराष्ट्र असेंबली का खुद का टाइम फ्रेम भी नहीं है। वो एक एग्जांपल है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने एक टाइम फ्रेम स्पेसिफाई किया। हरियाणा में टाइम्स है कि जैसे ही इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली आती है तभी जो स्पीकर के इलेक्शन है वो कराए जाएं, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन 7 दिन के अंदर हों। और
इस रूल में ये भी लिखा है कि अगर इन दोनों ऑफिसेज में से किसी में वैकेंसी आ जाती है, मीन्स डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन कोई दे देता है, तो ये इलेक्शन जो है लेजिस्लेचर के अगले सेशन के 7 दिन के अंदर कराए जाएं। कहने का मतलब है कि एक इनके पास टाइम फ्रेम है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी 15 दिन की जो है लिमिट लगाई गई है कि जैसे असेंबली शुरू होती है 15 दिन के अंदर आप जो है स्पीकर की पोस्ट को फिल करें, या फिर अगर वैकेंट होती है तो उसको फिल करें। और डिप्टी स्पीकर की जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है 30 दिन के अंदर अंदर उसको फिल किया जाए। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में ये तो नहीं कहा कि पोस्ट खाली ये जो किस कितने टाइम में भरनी है, लेकिन हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि स्पीकर का जो ऑफिस है वो बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप ध्यान दें, जैसे नई लोकसभा आती है या लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, तो जो पुराना स्पीकर होता है वो तब तक काम करता है जब तक नया जो है असेंबली सेशन वो नहीं आता है। जैसे ही नया असेंबली सेशन आता है फिर वो रिजाइन करता है, तब नया स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, अगर डेथ या रेजिग्नेशन हो जाए तो वैकेंट हो सकता है ना, लेकिन इसको वैकेंट नहीं रखना चाहिए। और जब स्पीकर नहीं होगा तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर रोल अदा करेगा स्पीकर का। देखिए पार्लियामेंट की एक जो बुक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सेक्रेटरी ने पब्लिश की है, उसमें कहा गया कि स्पीकर जो है वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस है ना, और वो कलेक्टिवली पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है और एक सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्पीकर जो है वो हाउस प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड करता है, आपने देखा ही है स्पीकर, आपने अक्सर देखा होगा स्पीकर चुप करा रहा होता है, आपको 5 मिनट का समय दिए आप चुप कीजिए, शांति, कई बार भंग करना पड़ जाता है, बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लोकसभा में भी कितनी डिफिकल्ट जॉब है स्पीकर की भी, सबको चुप कराना, प्रॉपर टाइम में उनको बोलने देना, सबको मौका देना। ठीक है, तो ये एक हाउस प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड तो करता है। इसके बिना एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, ज्वाइंट सिटिंग जब होती है दोनों हाउसेस की, जब कोई बिल फंस जाए तो उस ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिजाइड स्पीकर करता है। और स्पीकर ही वो होता है जो ये डिसाइड करता है कि कोई बिल जो लाया गया है लोकसभा में वो बिल मनी बिल है कि नहीं, ये भी स्पीकर डिसाइड करता है। डिप्टी स्पीकर कोई सबॉर्डिनेट नहीं है उसका, ऐसा नहीं है कि स्पीकर जी स्पीकर के नीचे डिप्टी स्पीकर, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। डिप्टी स्पीकर भी खुद में एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है क्योंकि वो भी उस हाउस के मेंबर्स में से ही चुनकर आगे आया है। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोजीशन वो है, वो बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत धीरे धीरे वो बहुत बड़ी है। उसका रीज़न क्या है कि कई बार ऐसा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ द स्पीकर में जो डिप्टी स्पीकर है उसने बहुत सारी कमेटीज़ और असेंबली हाउस है उसको चेयर किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम थंबीदुराई है, डिप्टी स्पीकर थे प्रीवियस लोकसभा के, तो उन्होंने कई लोकसभा की कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स, कई रेजोल्यूशंस, ऐसी कमेटी जो एमपी लेड स्कीम देखती थी और कई ऐसी कमेटीज़ उनको प्रिजाइड किया है। डिप्टी स्पीकर ये इंश्योर करता है कि अगर स्पीकर की पोस्ट वैकेंट हो जाए तो वो स्पीकर का रोल अदा करे। देखिए ऐसा हिस्टोरिकली बात करें तो पहले लोकसभा स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर 1956 में, उनकी डेथ के बाद डिप्टी स्पीकर ने प्रिजाइड किया। देन जीएमसी बालायोगी 2002 में डेथ के बाद डिप्टी स्पीकर ने प्रिजाइड किया। और मैंने बोला था ना डेथ या रेजिग्नेशन, और रेजिग्नेशन दिया था एन संजीवा रेड्डी 1977 में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन फाइट करने के लिए, तब डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की पोस्ट पर आके वो रोल अदा किया। ठीक है, या फिर एक और कंडीशन क्या है कि जब रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात चल रही हो, जैसे 1987 में लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ को रिमूवल करने की जो है डिस्कशन, रेजोल्यूशन पर डिस्कशन चल रही थी, तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को प्रिजाइड करेगा। ठीक है, तब स्पीकर साइड पे हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर आएगा। तो आप ये बात याद रखना, वैकेंट हो गई है, डेथ हो गई है, या रिमूवल ऑफ स्पीकर पर चल रहा है, रेजोल्यूशन चल रही है, डिस्कशन चल रही है, तब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की पोजीशन पर आ जाता है। यूजली देखिए स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही होते हैं ज़्यादातर, आपने देखे होंगे। ठीक है, डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो काफ़ी सालों से वेरी होते रही है। देखिए चौथी लोकसभा तक तो क्या था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के थे, यानी कि जो मेन पार्टी थी जिसने सरकार बनाई। 5वीं लोकसभा में एक इंडिपेंडेंट मेंबर को बनाया गया, श्री जी जी स्वेल,
उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया। और जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई इसके बाद, तब ये ट्रेडिशन आई कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को जो है वो अपोजिशन पार्टी को दे दी जाए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद जो दो लोकसभा आई उनमें जो डीएमके के मेंबर जी लक्ष्मणन और एआईएडीएमके थंबीदुराई वो डिप्टी स्पीकर बने। उसके बाद पीएम वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में कांग्रेस के शिवराज पाटिल वो डिप्टी स्पीकर थे। इसी तरह से पहली बार बीजेपी के पास ये पोस्ट तब गई जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। 13वीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कांग्रेस के एमपी पीएम सैयद वो डिप्टी स्पीकर बने। जब मनमोहन सिंह थे दो बार के लिए प्रधानमंत्री, तब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पहले श्रोमणी अकाली दल के पास थी, दूसरी बार वो बीजेपी के पास गई। और फिर लास्ट लोकसभा 16वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अगेन थंबीदुराई के पास आई। थंबीदुराई की पार्टी एआईएडीएमके है और एआईएडीएमके एलई है पीएम मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का। और अभी प्रेजेंट में जैसा मैंने बताया कि डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया गया, तो इसलिए ये जो स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हैं ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एक और देखिए, अभी रिसेंटली बहुत सारा ऐसा हमारे इश्यूज आए हैं जिनमें स्पीकर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कई जगह पूरी की पूरी सरकारें पलटी हैं स्पीकर के रोल के कारण, और स्पीकर के रोल को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया है। अगर आपको याद हो तो कई जगह स्पीकर की क्योंकि देखिए आपको याद होगा 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये होता है कि आपको याद हो अगर कि दो तिहाई से कम अगर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उनको डिफेक्ट कर दिया जाता है, और उसकी उसका जो उस बात पर जो निर्णय लेने का फाइनल अधिकार होता है वो स्पीकर के पास होता है। तो कई जगह ऐसा हुआ है कि स्पीकर ने निर्णय नहीं लिया। आप पंजाब का एग्जांपल ले लें, सुखपाल सिंह खैरा रेबेल हो गए थे आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी ने कितनी बार स्पीकर को कहा कि इनको डिफेक्ट कर दिया जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और कई जगह इस तरह की घटनाओं के कारण पूरे का पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो इसीलिए पिछले कुछ सालों से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो इन दोनों पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इनसे रिलेटेड हैं, क्या क्या पावर्स हैं इनके पास, ठीक है। तो इसीलिए जो है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है उसको भरने के लिए जल्दी से जल्दी बात चल रही है, ठीक है। और अभी भी लोकसभा में जैसे मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट टाइम हो चुका है, तो अब जो गवर्नमेंट को है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ज़रूर भरनी चाहिए। सो इसके बिना आप ये चीज़ें बात याद रखना जो मैंने आपको बताया, क्या है, क्या पावर्स हैं इनके पास, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं और कौन से टाइम पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आगे जाकर कोई इस तरह का इशू आएगा जब स्पीकर की प्रोमिनेंस बहुत लाइमलाइट में दिखेगी तो हम उस इशू को ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगर कोई सवाल है आपका, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेके।